भारत धर्म प्राण देश है, भारत का प्राण धर्म है। अगर हम धर्म छोड़ देते तो हम भारत के नहीं रहते। और धर्म यानी केवल कर्मकांड नहीं, वो चार बातें सत्य करुणा शुचिता तपस्या, अथवा आपके आज की शब्दावली में सत्य अहिंसा शांति समर्पण, इसका आचरण होना चाहिए। इसका भाषण होते रहता है, सब लोग करते रहते, जो चक्रधर स्वामी के कार्य में नहीं है वो भी वही करते रहते। यूनो के अध्यक्ष भी वो हिंदू भी नहीं है, वो यही कहते रहे, क्योंकि इसका विरोध कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। ये मनुष्यता के विरुद्ध है इसका विरोध कर, और ये जीवन का सत्य है। लेकिन मुख से उसके बलाव नहीं करना बात अलग है, इसका आचरण होना चाहिए। और समाज में सतत धर्माचरण चले, इसलिए अपने स्वार्थ को छोड़कर जीवन के सत्य पे सतत संबद्ध रहकर समाज में विचरण करते हुए अलख जगाने वाली मंडली संतों की मंडली रहती है। और वो मंदिर खड़े करते हैं, इसे केंद्र बनाते हैं, जहां से इस संदेश का बौद्धिक और व्यावहारिक भाग सारे समाज में प्रचलित हो जाए। यानी हमको ये ज्ञान भी हो, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, शांति क्या है, समता क्या है, और जो ज्ञान है वैसा व्यवहार भी हो। वो तो केवल ज्ञान का उपयोग नहीं, पोथी बड़ी बड़ी जगम हुआ, पंडित भयानक हो, सब पोथियों का सार है अपनापन प्रेम, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सब पंडित जन। तो मंदिरों का यह महत्व है, मंदिर का केंद्र मूर्ति होती है। वो मूर्ति ऐसी होती है, भगवान अपने यहाँ श्री कृष्ण है, चक्रधर स्वामी है, श्री गोविंद प्रभु जी है, इनका जो जीवन हमको पता है उस जीवन को देखेंगे तो इन चार ही तत्वों की प्रतिमूर्ति वो सब है। सब प्रकार के परिस्थितियों में इन तत्वों का व्यवहार कैसे करना है, व्यवहार अलग अलग हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन तत्व बिना छूटे उसको बढ़ाने वाला व्यवहार हो, जब जो आवश्यक है सब करना है, लेकिन वो तत्व को छोड़ के नहीं करना है, तत्व को बढ़ाकर ही करना है। ये कैसे किया जाए, ये कसरत जीवन में करनी पड़ती है, उसका उदाहरण वो मंदिर की मूर्तियां हैं। और वो वहां केंद्र में है, वहां से प्रेरणा लेते हैं संत, उस प्रेरणा का प्रचार प्रसार तत्व में और व्यवहार में करते हैं, बोलने में, विचार में और आचरण में करते। इसलिए ये मंदिर, सब प्रकार के मंदिर, सब पंथ संप्रदायों के मंदिर, भारत के जीवन का जब से मंदिर बनना शुरू हो गया मध्ययुग में, तब से केंद्र रहे।